दोस्तों आज है 17 सितंबर सन 2023 और मैं मुबीन भाई और मिर्ज़ा हारिस भाई फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं। और दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि आज सुबह ही हम 112 डाउन बदर एक्सप्रेस पर लाहौर से फैसलाबाद आए थे, और जो आने का मकसद था वो मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया भी था कि हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त, हमारे ट्रेन लीजेंड जिनकी हम बहुत इज़्ज़त करते हैं, कदर करते हैं, मिर्ज़ा हारिस भाई, उनकी दावत पर हम आए थे। और उनकी जो दावत थी वो माशाल्लाह बहुत बड़ी दावत थी। वो ये थी कि हमारे सुफियान भाई आए थे उधर मिर्ज़ा हारिस भाई के कहने पर, हमें नहीं इस चीज़ का पता था। तो आज सब रेल फन को हारिस भाई ने इकट्ठा भी किया था, तो ओवरऑल बड़ी अच्छी मुलाकात हमारी रही। तो आज मैं और मबीन भाई जा रहे हैं 113 पोरी एक्सप्रेस वापस, और हारिस भाई जा रहे हैं टोबा टैक्सिंग। तो बाकी इंशाल्लाह सफ़र को एंजॉय करेंगे, और जो रास्ते में आएंगे स्टाफ्स उनको इंशाल्लाह एक्सप्लोर करेंगे। तो 113 पोरी एक्सप्रेस का लोकोमोटिव आ गया है, और आज ये 113 पोरी को वापस लेकर जा रहा है। पावरफुल लोकोमोटिव है और उसका खासी अच्छी स्पीड से ये लाहौर से आया है। दोस्तों BHA 2832 18 मिनट एक्सप्रेस पहुंचती है फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर। 3:35 पर 113 पूरी एक्सप्रेस का अराइवल हो चुका है, और शेड्यूल टाइम के साथ फैसलाबाद से रवाना हो रही है। और मेरे सामने आप 18 मिलत एक्सप्रेस देख सकते हैं जो कि लाला मूसा से निकली है और अभी फैसलाबाद स्टेशन पर रुकी है, और कुछ देर में ये अप्रोच करेगी कराची की तरफ। यहाँ जो है हमारे हारिस भाई इसी वापस जा रहे हैं टोबा टैक्सिंग, और उनसे बड़ी अच्छी मुलाकात रही है, सुफियान भाई से भी और राशि भाई से भी। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट सफर में उनसे अच्छी मुलाकात होगी। और दोस्तों ये RG 20006 चंडीगढ़ है, बड़ी मौज मस्ती के साथ, और ये फैसलाबाद स्टेशन का बादशाह है यहाँ। तो चलें सफर को एंजॉय करते हैं। फैसलाबाद से निकल रहे हैं और काम अच्छी खासी रोज काम शुरू कर दी है। फैसलाबाद पहुँचने के बाद ये पहला स्टॉप है, यहाँ से भी काफ़ी मुसाफिर जो है वो इसमें बैठेंगे और ट्रैवल करेंगे। अभी तो देखा मैं ज़्यादा मुसाफिर करके नहीं आ रही है, आगे चलते हैं और फिर उनको देखते हैं जो कितना मुसाफिर हम आ रही है ट्रैवल करने के लिए। अभी टाइम हुआ है 4:30 और दारुल एहसान पर काराकरम
एक्सप्रेस का क्रॉस हो रहा है 113 गोरी एक्सप्रेस के साथ, काफ़ी अच्छी स्पीड से आ रही है। 42 डाउन कराग्राम एक्सप्रेस
ये था आज का सफ़र 113 पूरी एक्सप्रेस पर, और आज हमने माशाल्लाह सफ़र को बहुत भरपूर तरीके से इंजॉय किया क्योंकि हम सब रेल फैन फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर इकट्ठे हुए थे, जहां पर हारिस भाई आए थे और उन्होंने एक सरप्राइज़ रखा था, और वो सरप्राइज़ आपने वीडियो में देख लिया होगा, सफियान भाई का सरप्राइज़ था जो कि हमारे ऑलवेज लीजेंड है और जिनको हम फॉलो करते हैं, जिनकी वीडियो हम बड़े शौक से देखते हैं, आज उनसे मुलाकात हुई। और दूसरी मुलाकात जो हमारी वो मेरी ख़ास तौर पर हुई रहमत भाई से, और मैं हमेशा से रहमत भाई को बड़ी कदर की निगाह से देखता हूँ क्योंकि ये माशाल्लाह रेल फैन भी हैं, रेल लवर भी हैं, तो इनकी मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, इज्जत करता हूँ। तो आज थोड़ी सी गुफ्तगू रहमत भाई से भी करते हैं कि वो हमारे साथ गए थे। तो रहमत भाई ये बताएं कि कैसा रहा सफ़र आपका? ज़बरदस्त आज का सफर रहा मेरे लिए। वैसे ही मेरी आदत है कि संडे का दिन बच्चे लेके मैं इधर ही लोकेशन नहीं आता हूँ, बेशक इसी के लिए 3-4 घंटे क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा लगा इसे, तो स्पेशल खुशी आपके साथ, आपकी मेहरबानी है, आप इतनी बातें कर रहे हैं, मेहरबानी है, ये आपका हक है, तो बहुत मेहरबानी, शुक्रिया आपका, वाकई ही आपके साथ बहुत ज़्यादा इन्जॉय मिला मुझे, तो ये दिन मेरे लिए बड़ा खास है, खास दिनों में ये यकीनन जब एक बड़ा आदमी इस तरह की बात हमारे लिए करता है तो बिल्कुल हमें बहुत हौसला मिलता है, और मेरे साथ अवैस भाई भी मौजूद है, वो भी आज मेरे साथ थे, तो उनसे भी वक्तन वक्तन गुफ्तगू होती रही थी, तो लेकिन ओवरऑल हमने माशाल्लाह सफ़र को बड़ा इंजॉय किया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी रेल प्लानिंग में, नेक्स्ट किसी सफ़र में आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान रेलवे, पाकिस्तान रेलवे पाइंदाबाद।